Okay, let us do chapter 1 of class 7, and chapter is integers. Integers to humne padha kya hota hai, 6th mein bhi padha tha. Integer means jab hum whole numbers positive direction mein ya negative direction mein include kare to wo integers hai. For example, whole numbers 0, 1, 2, 3, तो ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में. और अगर हम 0 से, 0 ये रहा, 0 से दूसरी डायरेक्शन में जाएं, so if this is positive direction, this is your negative direction, then we have negative 1, negative 2, negative 3 and so on. So ये complete, ये सभी जो है, ये जो set of numbers हैं, they are integers. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी. तो इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर. क्लोजर क्या होता है, देखो हम यहाँ दूसरे इसमें दिखाता हूं मैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. और अब हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हम इंटीजर की ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं. सो दिस इज बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस. सो किस चीज की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इन ऑपरेशंस की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और इंटीजर्स की देखते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन इंटीजर. और कौन सी पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर. तीन प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. लेट्स फर्स्ट सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज क्लोजर. क्लोजर का क्या मीनिंग है कि अगर हम कोई मैथ ऑपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एडिशन कर रहे हैं, एडिशन का एग्जाम्पल दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक हम इंटीजर्स को एड कर रहे हैं. So, मान लो मैं कह रहा हूँ 5 + 6, बोथ ऑफ देम आर इंटीजर्स, इनको मैंने ऐड किया, सो आंसर इज 11, पॉजिटिव 11, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव. पॉजिटिव 5 + पॉजिटिव 6 इज पॉजिटिव 11. सो पॉजिटिव हमें देखना है जो रिजल्ट है, आउटकम जो है इस ऑपरेशन का, क्या वो इंटीजर ही रहेगा. अगर 5 इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, तो 11 जो है क्या वो इंटीजर है. अगर वो इंटीजर है तो हम बोलेंगे यस, इंटीजर फॉलो, इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन. ठीक है, तो रिजल्ट में हम लिखेंगे यस. अब इंटीजर देखो, इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं, उसे एकदम क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पॉजिटिव 5 प्लस नेगेटिव 6, तो अभी इसका क्या रिजल्ट होगा, आउटकम क्या होगा. ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव 6, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव 5. इनको दोनों को ऐड किया, आंसर इज नेगेटिव 1. और नेगेटिव 1 भी इंटीजर है, सो वी कैन से यस, इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. तो हम यहां लिखते हैं यस. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट में फिर से जैसे 5, पॉजिटिव 5 माइनस पॉजिटिव 6, क्या होगा आंसर, ये हो गया पॉजिटिव. ये पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव 6, आंसर इज नेगेटिव 1. नेगेटिव 1 भी इंटीजर है, सो दैट मींस सब्ट्रैक्शन के लिए भी इंटीजर्स फॉर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी. तो यहां भी यस होगा. ठीक है, अभी हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही देखते हैं, तो यही बुक में समझाया. फर्स्ट इज क्लोजर अंडर एडिशन.
तो हमने ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देखो, इसमें ये स्टेटमेंट है, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स वेयर वी आर एडिंग इंटीजर्स, ये भी ऐड हो रहे हैं, ये भी ऐड हो रहा है ना, सारे एग्जाम्पल्स में एडिशन है। बीच में अगर आप मैथ ऑपरेशन देखोगे, दे आर ऑल एडिशन। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज एन इंटीजर। सो हम क्या कह सकते हैं, यस इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ऐसे बोल सकते हैं। या दूसरा स्टेटमेंट है, हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर क्लोज्ड। तो इस स्टेटमेंट को लिखना है हमने, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन मींस दे फॉलो एडिशन, दे फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये भी एक एग्जांपल दिया है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, तो अगर हम उनको ऐड करें ए प्लस बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, ये तो हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी अभी हमने देखा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट भी करें, यहाँ बीच में क्या है ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे, ये बेशक नेगेटिव 21 है और ये 17 है, और बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जो रिजल्ट होगा वो आप देखोगे वो भी वो इंटीजर ही रहेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि वो सब्ट्रैक्शन, दे फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर्स क्या है, एडिशन, दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि वो एडिशन को फॉलो कर, फॉर ऑपरेशन ऑफ एडिशन इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यस लिखता हूँ, एंड फॉर सब्ट्रैक्शन दे फॉलो क्लोजर, तो इसमें भी यस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मेन चीज है दैट दीज इंटीजर्स, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, दे कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। उसका अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो इंटीजर की क्या रिजल्ट सेम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5 + -6, क्या आंसर होगा, आंसर इज -1। अब इनका ऑर्डर चेंज करता हूं, पहले -6 लिखता हूं, एक इंटीजर है, उसको मैंने ऐड किया दूसरे इंटीजर से विच इज +5, तो तब भी आंसर सेम है। तो हम क्या कहेंगे दैट इंटीजर्स फॉर एडिशन, यहां लिख सकते हैं, वी कैन से एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स इसको फॉलो करते हैं फॉर एडिशन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको स्क्रोल करते हैं, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें भी हम इंटीजर देखते हैं क्योंकि हमने होल नंबर, तो अभी हम चैप्टर इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव, जब हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, उसको कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं या आप सिर्फ कम्यूटेटिव बोलो। सो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव यानी कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, हम यस करेंगे।
और ये तो एडिशन के लिए हुआ, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। अगर मैं कहता हूं, सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देता हूं, 5 एक इंटीजर है, दूसरा इंटीजर -6 है, और इनका ऑपरेशन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव 5 है, ब्रैकेट तब रिमूव होगा जब इसके बाहर नंबर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम पॉजिटिव 1 मान सकते हैं। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव 5, और ये -6 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव, यहाँ पे 1 मानेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव इज पॉजिटिव 6, सो आंसर इज पॉजिटिव 11। तो पॉजिटिव 11 है। अब मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, अभी मैंने क्या किया, 5 माइनस -6 लिखा, अब इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं देख रहे हैं, अब कम्यूटेटिव है, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो पहले ये इस इंटीजर को लिखता हूं मैं, तो मैं लिखूंगा -6, फिर दूसरे इंटीजर को लिखूंगा 5, और बीच में सब्ट्रैक्शन करूंगा। अब देखेंगे आंसर क्या होता है। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये -6, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव इज -5, सो आंसर आ गया -11। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं फॉलो हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने -6 माइनस पॉजिटिव 5 किया था, तब क्या आंसर आया था? नहीं, जब हमने इसको फिर से लिखता हूं, ये ऑर्डर है कि -6 माइनस पॉजिटिव 5। अब इसको चेंज करते हैं, अब हम पहले लिखते हैं, पहले पॉजिटिव 5 लिखेंगे, फिर -6 लिखेंगे, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर देखते हैं क्या होता है, ये पॉजिटिव 5 हुआ, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 6, तो आंसर तो पॉजिटिव 11 आ गया, लेकिन जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो ये तो -6 आ गया। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और सब्ट्रैक्शन वो फॉलो इंटीजर्स नहीं करते हैं। सो एडिशन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन के लिए नो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यही हमारे इस बुक के चैप्टर में। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, एडिशन के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब वो फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनदर प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।